Hello everyone, welcome back to my channel. And in this video, we are going sorry, I am going to explain you the NCRT class 6 English English. चैप्टर नंबर वन डिड पेट्रिक्स होमवर्क पेट्रिक का होमवर्क किस तरीके से चलिए रीड करते हैं चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है चलिए रीड करते हैं सबसे होमवर्क टू बोरिंग ही सेड ही प्लेट हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड एन टू इंस्टेड हिस्सर टूल पेट्रिक डू योर पेट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लो नथिंग्स लाइ कैन इग्नॉर मस बट वॉट कुड ही डू हीटेड होमवर्क पैट्रिक जो था वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता वो कहता था कितना बोरिंग है और वो हमेशा हॉकी बास्केटबॉल और निन्टेंडो खेलता रहता था अपना होमवर्क करने की जगह उसके टीचर्स से बोलते थे पैट्रिक तुम कभी अपना होमवर्क भी नहीं करते और कभी लर्न भी नहीं करते कोई चीज़ को हाँ ये हाँ ये सच्चाई भी थी कभी कभी उसे ऐसा फील होता था कि हाँ उसे होमवर्क करें लेकिन वो क्या कर सकता था उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बहुत बोरिंग ऐसा लगता था एक दिन उसने देखा देन वन डे ही फाउंड हज कैट प्लेइंग विद अ डॉल एंड ही ग्रैप्ड इट अवे टू हज सरप्राइज इट वॉज अ डॉल एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी लेकिन उसने देखा सरप्राइज उसने देखा वो एक डॉल नहीं थी अब वो देखो क्या था हम देखते हैं यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं ना यहाँ पर देखिए ये वाला ये आदमी ये जो था वो पैट्रिक ने देखा इस आदमी को ही पेट्रिक ने देखा तो चलिए ऊपर देखते हैं क्या लिखा है लेकिन वो एक एक मैन मैन था था साइज साइज का का छोटे से का एक था। उसने छोटी सी लिटिल सी वूल की शर्ट पहन रखी थी उनकी शर्ट पहन रखी थी और एक ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहन रखे थे ब्रिच मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स बोलते हैं जिन्हें और उसने लंबी सी क्या पहन रखी थी एक टोपी टाइप की पहन रखी थी ये हम हैट कह सकते हैं यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये पहन रखा है ना उसने हैट टाइप की जो कैसी थी एक चुड़ैल जैसी हैट या टोपी हम कह सकते हैं पहन रखी थी वो जोर जोर से चिल्लाया और पेट्रिक को बोलने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट उसने कहा कि मुझे दोबारा उस कैट को मत देना मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा मैं तुमसे ये वादा करता हूँ ठीक है उसके बाद क्या पेट्रिक कुडंट बिलीव पेट्रिक पेट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वो कितना लकी था देयर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स यही उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था तो उसने कहा ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स फाइव डेज उसने कहा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे सेमेस्टर के एंड तक जो पेट्रिक का सेमेस्टर था वो 35 डेज का होता था फिर डू गुड इनऑफ जॉब आई कड इवन गेट अगर तुम अच्छे से मेरा सारा वो कर दोगे तो मुझे ये मिलेगा ठीक है द लिटिल मैन फीस रिंकल लाइक थ्रोन इन दम्प जो लिटल मैन था उसका फेस ऐसा हो गया था वो बहुत ही उसके फेस पे रिंकल्स आ गए थे उस वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ही किक डिस्ट लेग एंड डबल्स एंड ही ग्रिम्स एंड स्काउल वो बड़बड़ाने लगा और अपना पैर ऐसे ऐसे मारने लगा ओह एम आई कर्स्ट बट आई डू इट उसने क्या कहा कि मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा ही क्योंकि उसने पेट्रिक को प्रॉमिस किया था अब आगे का क्या टेंस है ठीक है वो पढ़ते हैं एंड ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ लिटिल एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पेट्रिकस होमवर्क और अब उसने प्रॉमिस किया था तो अब वो क्या करने लगा पेट्रिक का होमवर्क करने लगा एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच लेकिन क्या था वहां वहां पर एक क्या था

एल्फ जब इंग्लिश का होमवर्क कर रहा था तो उसने कहा कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ पेट्रिक ने मना कर दिया साउंड ईच लेटर। उसने कहा कि मुझे वो वर्ड मतलब उसने कहा कि नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड आउट बाय ईच लेट उसने कहा कि उस वर्ड को एक एक लेटर के साथ पढ़ो जैसे जैसे कहा उसने जैसे मान लीजिए उसे ट्रू वाला वर्ड नहीं पढ़ना आ रहा होगा तो उसने पैट्रक ने कहा कि तुम कैसे पढ़ो

अब जो एल्स था उसने कहा कि टाइम्स और टेबल्स क्या होते हैं स्ट्रीट और रोने भी लगा और वो जोर जोर से जो जो चलाने वी एल्फ ने वो नीडेड यहाँ पर देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे वो पेट्रिक से पूछ रहा है और उसका होमवर्क भी कर रहा है उसने कहा कि हम एल्फ्स को तो इस ये टाइम्स और टेबल्स की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं नेक्स्ट आंसर देखते हैं क्या लिखा है एंड एडिशन एंड्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं डिवीजन ऑफ ट्रैक्शन क्या होते हैं हेयर सेट डाउन उसने जो एल्फ था चाइनीज मैन था और एल्फ भी कह सकते हैं मुझे उसने कहा कि तुम मेरे बगल में यहाँ पर बैठो और मुझे गाइड करो और उसके बाद उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता उसके लिए वो एक मिस्ट्री थी यानी कि उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी यर्श शाउट और जस्ट कॉट आउट को टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मे रीड टू एल्फ ज़ोर जोर से चिल्ला के बोला लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर और वो बहुत सारी बुक्स मंगाता गया है पैट्रिक से और उसने कहा कि तुम तो मेरी एक बार हेल्प करो मेरे लिए इन्हें पढ़ भी दो As a matter of fact, every day and every way, the little elf was a nag. तो अब क्या था वो matter of as a matter of fact, every day and every way that little elf was a nag. अब वो हमेशा जो पैट्रिक को था वो trouble कर रहा था उसे परेशान कर रहा था कि मुझे ये बताओ मुझे वो बताओ पैट्रिक वॉज वर्किंग hard पैट्रिक उसे बताने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड भी कर रहा था देने वो एंड इट वाज अ ट्रैक और उसके लिए पहले तो उसके लिए होमवर्क करना अनइंटरेस्टिंग हो रहा था और उसके लिए अब वो क्या करता उसे एल्फ की मदद तो करनी थी ना ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स नाइट रात रात भर जग कर पढ़ाई करता था रात रात भर उठा रहता था और पढ़ाई करता था अपना होमवर्क कम्प्लीट करता था वो फिल्सो वेयर ही वॉज गोइंग टू स्कूल और वो अपनी स्कूल जाता था अपनी सूजी वी आँखों के साथ कभी कभार हमारी आँखें जो होती हैं वो सूज जाती हैं है ना उसके बाद फाइनली जब लास्ट डे आया स्कूल का एल्फ जो था वो स्वतंत्र था फ्री मतलब वो फ्री स्वतंत्र था इधर उधर कहीं भी जाने के लिए देर वॉज नो मोर सो ही क्विकली और वो चुपचाप दरवाजे से बाहर चला गया पैट्रिक को था पैट्रिक को पैट्रिक को ए मिला उसके क्लासमेट जो थे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गए उसकी टीचर्स उसकी टीचर, टीचर स्माइल करने लगी और वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करी थी पैट्रिक पर उसके पेरेंट्स से वो वंडर थे कि ऐसा कैसे हो गया विज नाउ द मॉडल किड अब जो पैट्रिक था वो एक मॉडल किड था वो अपना हमेशा अपना रूम जो था वो साफ़ करके रखता था किसी के साथ रूडली बात नहीं करता था सबकी हेल्प करता था और अब वो बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था यू सी इन द एंड पेट्रिक स्टिल थाट हिट मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट ई जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट वॉज इन द एल्फ पेट्रिक डॉ अब पेट्रिक जो है वो एंड में ये सोच रहा है कि उसने एल्फ से अपना सारा होमवर्क करवा ही लिया लेकिन जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मैं आपको कि वो हमें एक सीक्रेट बताना चाहते हैं कि सारा होमवर्क एल्फ ने नहीं पेट्रिक ने खुद किया था गाइज दिस स्टोरी the story is written by carol mori and i hope guys that this chapter is clear to you all i will be back with you with more videos until then bye and take care